कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा इस गया गाइडेंस के मंच पे आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज पॉलिटिकल थ्योरी जो पार्ट शुरू है, वह एक पार्ट शुरू में हम लोग पढ़ चुके थे। आज दूसरा चैप्टर जो है हम लोग लेकर के उपस्थित हुए हैं यहाँ पर, वह है स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है स्वतंत्रता? इसको इंग्लिश में लिबर्टी के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करने से पहले यह जान लें कि आज जो है हम लोग इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता कहते किसको है। स्वतंत्रता की बेसिक अवधारणा जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इस संबंध में जो परिभाषाएँ दी गई है उसको जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि निगेटिव स्वतंत्रता, निगेटिव लिबर्टी क्या होती है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, उसके अंतर को जो भी है समझने का प्रयास करेंगे। यह भी जानेंगे कि स्वतंत्रता जो है कितने प्रकार की होती है और वह किस प्रकार जो है कार्य करती है। जेस मिल का एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, हार्म प्रिंसिपल, जिसको हानि सिद्धांत के रूप में जानते हैं, स्वतंत्रता से संबंधित है, उसको भी हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन बिंदुओं पर जो है आज हम लोग बात करेंगे, जिसको मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ, और आगे इसकी पाठ की शुरुआत जो है हम लोग करते हैं। देखिए, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा और इस तस्वीर को आप लोग पहचानने का प्रयास करिए। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इससे अवगत होंगे। यह किन की तस्वीर लगी है? यह आपकी तस्वीर जो है, और यह मैप कहाँ का है, यह झंडे कहाँ का है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर जोर डालेंगे दिमाग पे, अगर इसको कोरिलेट करिएगा तो आपको जो है एक क्रिकेट टीम जो है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ की यह जो है मैप है। और यह तस्वीर जो है वहाँ के पहले ब्लैक राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है, नेल्सन मंडेला के रूप में इनको हम लोग जानते हैं, समझते हैं, और यह वहीं का झंडा है। ठीक है, एक तस्वीर वह हो गई। दूसरी तस्वीर इसको भी आप देख लीजिए। यह आपकी तस्वीर जो है यह म्यांमार की जो है दर्शाया जा रहा है, और यह आंग सान सूची की जो है तस्वीर लगी है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर स्वतंत्रता पढ़ा रहे हैं, इस तस्वीर को दिखाने का क्या मतलब है? स्वतंत्रता से संबंधित क्या इनके कोई कार्य रहे हैं, या यह किस प्रकार इससे जुड़े हुए होंगे? निश्चित रूप से आपके यह मन मस्तिष्क में सवाल उठ रहे होंगे। तो यह देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के जो आपका पिंक कलर से दिखाया गया है, यह है दक्षिण अफ्रीका, और यहीं से यह बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, और मैं आपको बताया अभी कि यह प्रथम जो है ब्लैक राष्ट्रपति के रूप में दक्षिण अफ्रीका के जाने जाते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर अभी हम लोग भारत की अगर बात करें तो कास्टिज्म यहाँ पर जिस प्रकार फैला हुआ है, उसी प्रकार वहाँ पर जो है एक समय था कि जो है नस्लवाद के रूप में जो है चीज़ें फैली हुई थी, और इस संबंध में जो है काले और गोरे का जो है वहाँ पर इस प्रकार का भेदभाव होता था। एक प्रकार से कहिए कि सीनियरिटी और जूनियरिटी की बात जो होती थी, डिस्क्रिमिनेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भेदभाव को, वह वहाँ पर चरम सीमा पर था। इवन आपको यह भी जानकारी होगा कि दक्षिण अफ्रीका में हमारे जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गए थे तो वहाँ पर भी उनके साथ जो है इस तरह की चीज़ें उनको झेलने को मिली थी, बल्कि उनको तो कंपार्टमेंट से बाहर भी कर दिया गया था, है ना। तो ये जो है चूंकि काले हैं और वहाँ पर कालों को जो है कोई अधिकार नहीं प्राप्त थे, कोई राइट्स नहीं प्राप्त थे, उनकी कोई गिनती नहीं होती थी, जमीन जगह सारी उनकी थी, परंतु गोरे लोग जो थे वह उन पर अधिकार किए हुए थे, और उस रंग भेद नीति के खिलाफ यह बंदा जो है वह आगे आता है और उसके खिलाफ जो है वह कार्य करता है। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक भी है, जो देखिए यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ उसको समझाने के लिए, कि यह पुस्तक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वह किनकी लिखी हुई है। और ये जो है उनका पूरा जो संघर्ष किया है इन्होंने, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 28 वर्ष तक जो है वह जेल में रहते हैं,
कितने वर्ष तक? 28 वर्ष तक। सोचिए कि जो है कितने संघर्षशील इन लोग रहे होंगे कि 28 साल तक जेल में रहने के बाद भी अपने जो सिद्धांत हैं उससे कभी अडिग नहीं हुए, उससे मुड़े नहीं, हमेशा उस पर अडिग रहे। ऐसा नहीं है कि जो है पल पल में जैसे लोग बदलते रहते हैं, आज अच्छा ठीक है ये आज बाधा आ गया, अच्छा ये काम नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। इस तरह की चीजें जो है वहां पर उपलब्ध नहीं थी। और वह अपने जो उद्देश्य रहा था वह उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा वह तत्पर रहते हैं और इस कार्य में उनको सपोर्ट मिलता है। वहाँ के जो काले लोग होते हैं उनको हक दिलाने की बात आती है, उनको जो है पावर में लाने की बात होती है, उनके भलाई की बात होती है। तो इस कारण से जो है इनको जेल में डाल दिया जाता है और जेल में जब यह रहते हैं 28 वर्ष तक वह जेल में रहते हैं तो उसी के दरमियान जो है यह बुक वह लिखते हैं और इसमें सारी जो वह क्रिया करते हैं उस दक्षिण अफ्रीका में उनको अधिकार दिलाने के, वो सारी चीज़ जो है इसमें चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, अब यह चीज़ें क्यों की गई? देखिए मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूँ क्या, वह है स्वतंत्रता। ठीक है, और स्वतंत्रता को पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी के नाम से जानते हैं और यह है तो एक शब्द का लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि दुनिया की सारी चीज देकर के भी आदमी इसको नहीं खोना चाहता है। हमको सब चीज दे दीजिए लेकिन यह नहीं दीजिए तो शायद ही ऐसा व्यक्ति कोई होगा जो उसको एक्सेप्ट करेगा, है ना? क्यों करता है ऐसा? क्योंकि इसके बिना जो है सारी चीजें जो है वह शून्य हो जाती है, वह नथिंग हो जाता है, कुछ नहीं बच जाता है। आप इमेजिन करिए कि आपको सारी सुविधा दे दिया जाता है लेकिन वह आपको बोलने नहीं दिया जाए, किसी से मिलने नहीं दिया जाए, घर में बंद करके रखा जाए, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? तो मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की चीज़ें जो है वह कोई एक्सेप्ट करता है। अगर इस तरह का कोई एक्सेप्ट करता है तो वह एक्सेप्शनल ही चीज़ें हो सकती है। खैर, आगे हम लोग जो है चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। इस मैप को आप देखिए, यह मैप जो है वह किसका मैप है? ठीक है, यह मैप आपको नजर आ रहा है, वह मैप जो है वह म्यांमार का मैप है जिसको हम लोग पूर्व में बर्मा के नाम से भी जानते थे। और यहाँ पर आपको भारत का थोड़ा सा जो है यह सेवन सिस्टर्स का जो इलाका है उससे देखिए इसका जो है वह लगाव है, वह सीमा लगता है। ठीक है, और यहीं पर की यह महिला नेत्री जो थी, सामाजिक कार्यकर्ता जी थी आंग सान सू की, वह वहाँ पर जो है वह लोगों के अधिकार जो वहाँ पर हनन हो रहे थे उसको दिलाने का वह कार्य करते हैं। और इसके खिलाफ जो है वहाँ की गवर्नमेंट जो है विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र करती है, बल्कि उनको अपने घर में ही जो है नज़रबंद कर दिया जाता है। नज़रबंद कहने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आँख पे जो है वह पट्टी लगा दिया जाता है, ऐसी चीज़ें नहीं होती है नज़रबंद में। नज़रबंद कहने का मतलब उनको किसी से मिलने जुलने के लिए जो है नहीं दिया जाता है, वह अपने घर में ही रहेंगे, खाएं पिए, लेकिन जो है वह जो पॉलिटिक्स की जो सामाजिक गतिविधियां होती है उस पर वह लगाम लग जाता है, वह किसी से जो है वह कनेक्ट नहीं हो पाते हैं सामाजिक जीवन में। और यह भी आप जान लीजिए कि यह अपने हस्बैंड के डेथ के दरमियान जो है वह भी उनसे जो है मिलने इनको नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इनको स्वतंत्रता के खिलाफ जो है यह लड़ाई लड़ती हैं वहाँ पर बर्मा में, जो मानव अधिकारों का वहाँ पर हनन होता है। आप जान लीजिए कि जब यह आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें थी, ठीक है ना, लेकिन बाद में वहाँ पर तख्ता पलट होता है और तख्ता पलट के दरमियान जो है फिर से अथॉरिटेरियन सरकार आ जाती है, सैनिक तनाशाह लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और यहाँ की व्यवस्था जो है गड़बड़ाने लगती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर इनका उद्भव होता है और वह सारी चीज़ें जो है बहाल करने के लिए जो है वह वहाँ पर व्यवस्था लाने का प्रयास करते हैं। और इस क्रम में जो है वह एक बुक लिखती हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, यहाँ पर देखिए उनका कोट है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। क्या है? भय से मुक्ति। होता क्या है आदमी की, आज हमारे क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल सारे अधिकार दिए हुए हैं लेकिन क्या हम लोग अपने अभिव्यक्ति खुल कर करके करने में कितना सक्षम हो पाते हैं, कहीं पर भी बेहिजक जो है कहने में कहाँ तक कह पाते हैं, यह थोड़ा सा गौर करिएगा। क्या सारे लोग इस तरह से जो है उपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? तो यह उनका जो है, मैं विश्व के कई ऐसे देश जो हैं वह इस चीज़ को आज के डेट में फॉलो नहीं करता है, जहाँ पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है
वहाँ पर तो कुछ चीज़ें मानी जा रही है, कुछ चीज़ें अधिकार दिया गया है, राइट्स जो है नागरिकों को वहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन बहुत ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर जो है इस चीज़ का जो है वह मान्य नहीं होता है। तो वो क्या कहती हैं कि बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जो है वह जी नहीं सकते हैं, किस चीज़ को प्राप्ति के लिए, वह है लिबर्टी। तो दो चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको दिखाया हूँ, दो लीडर्स का दिखाया हूँ और दो बुक को दिखाया हूँ आपको। वह दोनों बुक जो है आप याद रखेंगे, पहला मैं आपको बताया था नेल्सन मंडेला के बारे में, नेल्सन मंडेला की जो बुक थी वह लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम थी, दक्षिण अफ्रीका से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप याद रखेंगे। और यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर जो है वह किन की पुस्तक है, तो आंग सान सू की है। वह कहाँ से हैं वह भी पूछा जा सकता है। वह किस लिए जानी जाती हैं, तो वह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वह थी और उनको शांति का जो है नोबेल पुरस्कार भी वह प्राप्त करती हैं। इस प्रकार ये दोनों नेता जो रहे हैं वह काफ़ी फेमस रहे हैं। अभी तक आपकी पाठ जो है शुरू नहीं हुई है, यह जो है बेस बनाने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, बेस बनाने का कार्य हो रहा है कि आखिर यह इम्पोर्टेंस क्यों रहा है। आप जितने भी क्रांतियां देख लीजिए, जितने भी फ्रीडम जो है फाइट हुए हैं, आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, कोरिलेट करें उससे, तो आपको यह सहज अंदाज़ा लग जाएगा कि इसको पाने के लिए कितने जीवन जो है वह कुर्बान हो गए हैं। आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे थे और इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो है कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई। और सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है आदमी, तो उसको बनाए रखना जो होता है ना वह काफ़ी टिपिकल होता है। एक बार किसी अचीवमेंट को प्राप्त कर लेना और उस अचीवमेंट को हमेशा बनाए रखना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए, दूसरी जगह भी स्वतंत्रता मिली। पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए आप, बांग्लादेश का ले लीजिए उदाहरण आप, म्यांमार का ले लीजिए उदाहरण आप, कई जगह जो है लोकतंत्र बहाल हुआ, लेकिन फिर से वहाँ पर कई तरह की चीज़ें जो है बदलाव आया शासन में। आप अगर दूसरे जो है डिक्टेटर्स स्टेट का उदाहरण लेंगे, नॉर्थ कोरिया का उदाहरण लेंगे, चीन वगैरह का उदाहरण लेंगे, तो वहाँ पर जितने स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है उससे फार बेटर जो है हमारे देश में अभी उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता। आइए अब जो है हम लोग चलते हैं इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह जानने का प्रयास करते हैं कि लिबर्टी का मतलब होता क्या है, स्वतंत्रता किसते किसको है। देखिए यहाँ पर साफ जो है हाईलाइट कर करके आपको मैं हमेशा दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में सहूलियत हो सके, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी अंग्रेजी में जो है स्वतंत्रता को जो है लिबर्टी कहा जाता है, पहली चीज। और यह लिबर्टी जो है किस चीज से बना हुआ है, कहाँ से आया है यह, तो यह लैटिन भाषा से आया है, जो लिवर शब्द से आया है। देखिए यहां लिखा हुआ है किस शब्द से आया है, यह परीक्षा में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लिबर्टी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है या किस भाषा से हुई है, तो वह लिवर शब्द से हुई है, लैटिन भाषा का है। और उसका क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव, अर्थात कोई उस पर जो है किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस जो है नहीं हो, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। हालांकि आज की तारीख में यह हम लोग नहीं मानते हैं, यह कहीं नहीं माना जाता है, लेकिन एक पक्ष जो है इसका यह जरूर मानता है जो इसके समर्थक रहे हैं। देखिए आगे आपको मैं बताऊंगा बस एक दो स्लाइड के बाद कि स्वतंत्रता को जो है दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। एक होता है निगेटिव लिबर्टी और दूसरा होता है पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है ना। तो निगेटिव लिबर्टी की जो बात यहाँ पर की गई है, आज के डेट में जो है पॉजिटिव लिबर्टी को ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ पर जो है स्वतंत्रता को किस रूप में जो है जाना जाता रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट रहा है स्वराज का, क्या रहा है, स्वराज का। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है देखिए तिलक का लिखा हुआ है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर के रहूँगा, है ना। और गांधी जी भी हिंद स्वराज की जो है रचना करते हैं, 1909 में वह पुस्तक लिखते हैं जिसको मैं स्वराज प्राप्ति के लिए अपने देश के नागरिकों को उस ओर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस को जो है वहाँ पर बताया जाता है। बल्कि आपके तिलक तो यहाँ तक कहते हैं कि सारी कार्रवाई से जो है सबसे पहले जरूरी होता है पॉलिटिकल राइट्स जो है प्राप्त करना,
पॉलिटिकल राइट्स अगर आपके पास है तो सारे अधिकार जो है आपके पास स्वतः चले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है लिबर्टी को भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वराज से देखेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने जो है वह कैसे स्वतंत्रता को प्रभावित किया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर नाम लिखा हुआ है सीले का। सीले का नाम जो है आप पहले भी सुन चुके हैं। इसको मैं जब आपका इसका पहला चैप्टर हो रहा था उसमें मैं आपको बताया था कि सीले जो है पॉलिटिकल साइंस को क्या परिभाषित करते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा इस पॉलिटिकल थ्योरी का तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी कि सीले जो है वह क्या कहते हैं, और नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के आप अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सीले क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है अति शासन की विरोधी है, अति शासन की विरोधी है, ठीक है ना। शब्द को पकड़ के चलना है, अति शासन, अति जो लिखा हुआ है ना वही यहां पर पकड़ के रखना है। और कहा भी जाता है कि अति सर्वत्र वर्जिते, अति जो है किसी चीज में नहीं होता है, होना चाहिए। अति होता है तो वह चीज जो है वह त्यागने की बात होती है, वह छोड़ देने की बात आती है। तो यहां पर क्या कहता है कि स्वतंत्रता जो है अति शासन, शासन हो लेकिन अति नहीं हो, सब चीज में रिस्ट्रिक्शन हो, ऐसी चीजें वह नहीं कहते हैं, ठीक है। गैटल जो है वह क्या बात करते हैं कि स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं सकारात्मक स्वरूप भी जो है वह है। नकारात्मक, देखिए अभी मैं बात बताया था आपको कि ये चीजें आएगी और इसका डिफरेंस जो है आगे की स्लाइड में आपको अलग अलग करके जो है मैं बताऊंगा और वह चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अभी यहां पर सिर्फ यह आप ध्यान रखेंगे कि किस विद्वान ने कौन सी जो है परिभाषा बात कही है, ठीक है। तो सीले क्या कहे हैं, सीले कहे कि अति शासन का जो है विरोधी है, और गैटल क्या कहते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता दोनों से वह संबंधित बातें बोलते हैं। देखिए मैकेंजी जो है वह मैकेंजी बहुत ही अच्छी परिभाषा देते हैं, कहते हैं स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस किसी पे नहीं होगा, क्या यही स्वतंत्रता ठीक है, या कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ ही स्वतंत्रता ठीक होनी चाहिए। अगर किसी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाए तो ऐसा नहीं लगता कि वह अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा, वह अपनी मन मर्जी करना शुरू कर देगा, वह हो सकता है गलत राह पे चलना शुरू हो जाए, वह कुछ भी करेगा, कहेगा ये तो मेरा अधिकार है हम करेंगे, आप कौन होते हैं बोलने वाले, किसी का कोई नहीं सुनेगा और फिर से जो है प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे लोग, जहां पर डर रहता था कि मैं जरा सा पीछे हुआ कि मेरी सारी पोटली गई, मेरी सारी व्यवस्था जान माल की जो क्षति होने का डर रहता था प्राकृतिक अवस्था में। आखिर राज्य का निर्माण हुआ क्यों, राज्य का निर्माण इसी उद्देश्य से हुआ ना कि जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को, उनके संपत्ति के, उनके जो और सारी व्यवस्था है वह रक्षा करेगा, और जब रक्षा करेगा तो उसके लिए जरूरी है कि वह एक किसी को सरकार बनानी होगी, किसी की बात माननी होगी, है ना। और अगर जब मानेंगे नहीं तो फिर तो बात खत्म, फिर से आप चले जाइए प्राकृतिक अवस्था में। तो क्या आज आपको लगता है कि इस मॉडर्न युग से फिर से प्राकृतिक अवस्था में जाने के लिए लोग राजी होंगे, या किसी व्यक्ति को जो है आपका बिना रेस्ट्रिक्शंस के सारे अधिकार उसको लिबर्टी दी जानी चाहिए, नहीं ना। तो इस तरह की चीजें जो है वह संभव नहीं हो सकती है आज के समय में, ठीक है। तो वह इसी संबंध में कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, यह सिर्फ सबको फ्री कर देना ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि वह अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर है ना। देखिए आपका रेस्ट्रिक्शन तो हो सकता है, बहुत सी हो सकता है, कुछ गलत रेस्ट्रिक्शन भी लोग लगाते हैं, ठीक है ना, अपने पावर के आड़ में बहुत सारे गलत रेस्ट्रिक्शन भी लगते हैं, लेकिन यह मैकेंजी कहता है कि हाँ गलत रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शन हो, जैसे आप अगर सकारात्मक कार्य करते हो तो वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कार्य से समाज प्रभावित हो रहा है, उसका गलत इंप्रेशन पड़ रहा है समाज पे, तो उस कार्य को रोके जाने की जरूरत होती है ना। तो अब यह फैसला करेगा कौन, इस तरह की समस्याएं आएंगी, लेकिन इस को जो है समझ के चलना है कि यह कौन क्या कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार टीएच ग्रीन जो है वह कहते हैं कि जिस प्रकार सौंदर्य का अनुपस्थिति
कुरूपता का अभाव जो है वह क्या है, सौंदर्य का नाम नहीं है। तो उसी प्रकार यह भी फिर से बात करते हैं कि जो है रेस्ट्रिक्शंस के कारण जो है वह यह नहीं होता है कि स्वतंत्रता जो है उसके पास नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस ये जो दोनों जो बात करते हैं ना, रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो है वह स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। ठीक है, लास्की देखिए यहां पर क्या कहते हैं कि उस वातावरण को बनाए रखना जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। आप फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, तीसरा चैप्टर जो है, तीसरा नहीं सॉरी चौथा चैप्टर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना था 11th क्लास में, उसमें आपको बताया गया है फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और वह क्यों जरूरी है, क्यों दिए गए हैं आपको, वह आपके विकास के लिए ही है। और यह राज्य के खिलाफ जो है अधिकार आपको प्राप्त है, कोई भी सरकार जो है वह राइट्स अपने नागरिकों को नहीं देना चाहती है, ठीक है ना। और यह राइट्स जो है हमको कौन देता है, वह संविधान के द्वारा हमारे के यहाँ यह व्यवस्था की गई है। और जहां भी इस तरह की चीज है संविधान ही व्यवस्था करती है, क्योंकि अगर संविधान व्यवस्था नहीं करेगी तो मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी सरकार जो है वह राइट्स देने के लिए फेवर में नहीं रहती है। सरकार क्या, ह्यूमन नेचर है, यह ह्यूमन नेचर है कि लोग जो है वह किसी को अधिकार देने की बात नहीं करते हैं, वह जो है अपने अपने कस्टडी में रखने का प्रयास करते हैं किसी को, ठीक है। तो यहां पर लॉस्की क्या कहते हैं कि सर्वोत्तम जीवन बनाने के लिए जो है उसको सुविधा मिले वही स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इन विद्वानों को आप ध्यान में रखेंगे, मैं पहले भी बताया हूं आपको कि पूरी की पूरी लाइन जो है परिभाषा का कभी याद करके नहीं चलना, एक कीवर्ड उसको रखिए कि हाँ मैकेंजी जो है क्या बोले थे, निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को जो है अनिवार्य रूप से बात किए थे। सिले क्या बोले थे, तो सिले बोले थे कि जो है अति शासन का विरोधी है, इस तरह से करके चीजें याद रखेंगे। और यह आपके एग्जाम में अगर कभी आ गया तो यह शब्द जो है निश्चित रूप से रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वह उनकी ओरिजिनल जो चीजें कही गई है वहां से जो है सारी चीजें आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अब देखिए व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का इंपॉर्टेंस, व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है ना, व्यक्ति से जो है फैमिली बनती है, फैमिली से जो है समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है, राज्य से फिर जो है आगे वह देश बनता है, उसके बाद जो है सारा विश्व जो है उसमें समाहित होता है, ठीक है ना। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है समाज की स्वतंत्रता जो है आगे वह चीजें चलती हैं, ठीक है। आगे देखिए यहां पर जो स्लाइड है वह सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी का अंतर यहां पर बताया गया है आपको। और यहां पर देखिए अब यहां पर इस स्लाइड के बाद में आपको यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि निगेटिव लिबर्टी क्या है, लिबर्टी क्या है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। देखिए लिबर्टी मैं आपको पहले समझा दिया हूं कि लिबर्टी जो है लिबर शब्द से बना हुआ है, वह लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। और मैं आपको उस समय भी बताया था कि यह जो है जो इसका बेसिक मीनिंग जो है वो आज के डेट में वह स्वीकार नहीं होता है, बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है यह नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ नकारात्मक स्वतंत्रता में जो बात आती है वही यहां पर बताया गया है। नकारात्मक स्वतंत्रता जो है निगेटिव लिबर्टी जो है वह किसका पथ लेता है, वह कहता है कि बंधन का अभाव यानी कि उस पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन जो है नहीं है तभी वह स्वतंत्र है, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये तो निगेटिव बात नहीं हुई, ये तो पॉजिटिव बात हो गई कि सारी चीजें उसको मिल गया तो निगेटिव कहां से हो गई सर, थोड़ा देर आपको लगेगा और यह सही भी है लगना, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव में बात क्या होती है, पॉजिटिव में बात होती है कि सबको फ्री दिया जाए, अच्छे कार्य करने का दिया जाए, लेकिन यहां पर कहता है कि आपको कार्य करने की आजादी होगी लेकिन उस कार्य से कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाएंगे, वह कार्य ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे दूसरे जो है हानि उनको पहुंचे, ठीक है। तो यहां पर जो है वह सकारात्मक स्वतंत्रता में आप याद रखेंगे कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे और नकारात्मक स्वतंत्रता में जो है खुली आजादी होती है। और मैं पहले भी फिर से बता रहा हूं आपको कि यह चीजें आज के डेट में इंप्लीमेंट नहीं है हमारे के यहाँ, और यह चीज जो है हम लोग इसको फॉलो करते हैं, दैनिक जीवन में भी यही चीजें मानी जाती है। आप
सहपाठी के रूप में भी अगर जब आप घूमते डेली जीवन में भी देखते होंगे कि आप उसी चीज़ को सुनते होंगे जो अच्छे लगे, अगर किसी चीज़ को आपको लगता है कि हाँ हमारे गलत कार्य है तो उसका विरोध करता है आदमी, उस प्रकार समाज भी विरोध करता है, समाज से धीरे धीरे बात जो है आपको सरकार तक जाती है, उस पर निर्णय होता है और यही प्रक्रिया जो है वह चलते रहती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, बंधन का अभाव और यहाँ पर बंधनों की उपस्थिति, ठीक है ना, बंधनों का अभाव और यहाँ पर बंधनों की उपस्थिति। यहाँ पर जो है सारी चीजें जो है वह फ्री छोड़ दिया जाता है, क्या छोड़ दिया जाता है, फ्री छोड़ दिया जाता है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वह बंधनों का अभाव है, और सॉरी नकारात्मक स्वतंत्रता जो है बंधनों का अभाव है, और सकारात्मक स्वतंत्रता में जो है वह क्या है, बंधनों की उपस्थिति है। ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें हो जाती है, तो यह आप यहां पर या और चीज एक चीज और आप देखिए कि नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि लोगों को फ्री छोड़ दिया जाता है कुछ भी करने के लिए, तो होता क्या है कि वह वहां पर जो है असमानता जो है बहुत तेजी के साथ फैलना शुरू होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो है सकारात्मक स्वतंत्रता में जो समाज के निचले वर्ग के लोग जो है जो काफी तंगो हाली में है, जिनको आवश्यकता है सपोर्ट की, उनको वह स्पेशल जो है व्यवस्था कर करके उनको ऊपर उठाने की भी बातें वहां पर की जाती है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देखते हैं कि इस तरह की चीजें जो है आप आए दिन देखते हैं कि जो है कई तरह के कल्याण की जो है योजनाएं संचालित की जाती है, वह यह सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही चीजें आती हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको देखिए तीन तस्वीर नजर आ रही होगी, ठीक है, और तीन तस्वीर में जो पहली तस्वीर है वह जर्मी बेंथम की है, और यहां पर ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल की है, जिसको जे एस मिल के रूप में हम लोग ज्यादा आपको दिखेगा कहीं पर लिखा हुआ, परीक्षा में भी आपको जे एस मिल के रूप में ही चीजें आएगी, लेकिन इसका पूरा नाम भी याद रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर जॉन स्टुअर्ट मिल आ जाए तो कहेगा सर तो बताए थे जे एस मिल, यहां पर आ गया जॉन स्टुअर्ट मिल, तो ऐसा नहीं, भ्रम में नहीं पड़ना है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं आपको, शॉर्ट में जो है इसका नाम आपको याद रखना है, ज्यादा जगह आपको शॉर्ट में ही नाम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। और इनकी एक बुक है ऑन लिबर्टी, क्या है, ऑन लिबर्टी, लिबर्टी पे यह एक लेख लिखते हैं जो बुक फॉर्म में वह आती है, यह बहुत ही प्रचलित बुक है, और यह ऑथर जो है वह भी लिबर्टी के रूप में बहुत बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। अगर पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी की पढ़ाई हो गई और इनके बारे में नहीं बताया गया तो वह क्लास जो है अधूरा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इनका बेसिक जो है प्रिंसिपल है हार्म प्रिंसिपल, हानि का सिद्धांत जो है वह देते हैं, वह मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। पहले इस स्लाइड को थोड़ा सा समझ ले कि इस स्लाइड को इसमें पिक्चर लगाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा था। ठीक है, यहां पर जर्मी बेंथम को आप देख लिए, यहां पर जॉन स्टुअर्ट मिल को देख लिए, और यहां पर देख लिए यह जो तस्वीर है वह जॉन रॉल्स की तस्वीर है। किन की तस्वीर है, जॉन रॉल्स की तस्वीर है। तीनों के लाने का क्या उद्देश्य था वह मैं आपको बता देता हूं। यह जो है याद रखेंगे आप लोग, इनके फादर का नाम जेम्स मिल था, क्या नाम था, जेम्स मिल। अब नाम जो है आपको मिलता जुलता लगेगा, जेम्स मिल, बीच में केवल स्टुअर्ट इनके नाम में जुटा है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और यह जर्मी बेंथम जो है यह इनके पिता के जो है वह मित्र हैं। यह आपको किताब में कहीं या इस तरह की चीजें क्लेरिफिकेशन करके उनके रिश्तों के बारे में नहीं बताया जाएगा कि वह उनके चाचा थे, उनके चाचा के दोस्त थे, इस तरह की चीजें कभी नहीं आती है। लेकिन बच्चों को इस तरह का भ्रम होता है कि जेम्स मिल एक है, जेएस मिल भी एक है, या कोई दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है, वह आप क्लियर कर लें, आज के बाद इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जेम्स मिल जो है जेएस मिल के फादर हैं, और जेएस मिल के फादर के जो है वह यह कौन है, दोस्त हैं, ठीक है ना। और इन दोनों में जो है वह किस प्रकार का संबंध होगा आप समझ लीजिए कि हमारे पिता के जो दोस्त हैं उनको हम क्या कह सकते हैं और उनसे किस तरह का हम बात व्यवहार रख सकते हैं, यह आप समझ पाएंगे। और जॉन रॉल्स को आप समझिए, देखिए इनका जो यह जो काम करते हैं यहां पर, हालांकि लिखा हुआ है यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, यह आपको पढ़ना नहीं है अभी, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं क्योंकि यह एक अलग क्लास होगा और आपके लिए यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यह मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यह जो कार्य करते हैं इनके पिता के साथ, इनके पिता का नाम जेम्स मिल, जो कार्य करते हैं दोनों उनकी आलोचना यह करता है, ठीक है ना। जर्मी बेंथम
और जेम्स मिल जो कार्य करते हैं उसकी आलोचना कौन करते हैं, जे एस मिल करते हैं, उनके भतीजे, उनके माने बेटे, ठीक है। और यह जो कार्य करते हैं वह उनकी आलोचना जो है वह कौन करते हैं, जॉन रॉल्स करते हैं। इतना आपको मेरा बताना उद्देश्य था। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ऑन लिबर्टी लिखते हैं, और ऑन लिबर्टी लिखते हैं तो इसमें एक सिद्धांत देते हैं, वह हानि सिद्धांत को, जिसको इंग्लिश में हार्म प्रिंसिपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्म प्रिंसिपल बोला जाता है। अब देखिए हार्म प्रिंसिपल है क्या, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताया था निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की, तो पॉजिटिव लिबर्टी से जो है इसको आप कोरिलेट करिएगा, ठीक है ना। क्या होता है उसमें, हार्म प्रिंसिपल को थोड़ा सा आप जान लीजिए। यह कहता है कि व्यक्ति को वहां तक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कोई भी कार्य करने की जहां तक वह दूसरे को हानि ना पहुंचाए, जहां तक वह दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। जब उसके जान माल की क्षति हो तब वहां पर जो है क्या करता है, कोई भी रोक लगा देता है। जैसे अगर किसी भी कमजोर व्यक्ति पर भी जो है अगर कोई व्यक्ति गोली बंदूक या हथियार से हमला करता है तो क्या करता है, कोई व्यक्ति अपनी रक्षा करता है ना। तो उसी प्रकार वहां तक स्वतंत्रता यह देने के लिए कहते हैं कि हाँ आप किसी व्यक्ति को कहां तक स्वतंत्रता दें, जहां तक वह उसके कार्य से दूसरा व्यक्ति को हानि न हो, ठीक है। यह जो है हार्म प्रिंसिपल है। और हार्म प्रिंसिपल के संबंध में आपको देखिए यहां पर संबंध और स्वसंबद्ध चीजें लिखी हुई है, यह हिंदी में चुकी है तो यहां पर स्वसंबंध को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रिगार्डिंग, और इसको जो बोलते हैं पर संबंध को अदर रिगार्डिंग्स, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग्स। जब सेल्फ रिगार्डिंग में आप करेंगे, जैसे हमारी स्वतंत्रता है हम खाना में रोटी खाएं या चावल खाएं या भूखे रहें, इससे अगला आदमी को क्या परेशानी हो सकती है, होगी कोई परेशानी। हम आज हमको खाने का मन है खिचड़ी या चावल दाल रोटी जो खाना है, आपको पड़ोसी से उसको क्या दिक्कत होगी, तुमको जो खाना है खाओ। लेकिन आप रात को 12 बजे अगर खूब तेज साउंड में बजाना शुरू करेंगे बाजा, तो क्या आपको लगता है कि आपका पड़ोसी आके बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलेगा ना। आप कहिएगा साहब ये तो मेरा अधिकार है, स्वतंत्रता हमको प्राप्त है, इस तरह की चीजें एक्सेप्ट हो सकती है समाज में, नहीं होगी, क्योंकि उस कार्य से आपका आसपास का जो मोहल्ला है वह प्रभावित होगा। यह तो एक एग्जाम्पल है, और कई सारी चीजें जो है आप अपने आसपास जब देखेंगे तो इस तरह की चीजें आपको मिलेगी, जिस पर आपका समाज जो है प्रतिबंध लगाता है, स्टेट जो है प्रतिबंध लगाता है, वह किस तरह से जो है आप कार्य करेंगे, वह सारी चीजें इसके अंतर्गत बात आती हैं, ठीक है। तो सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग या आपके एग्जामिनेशन में तो नहीं आएगा कि हाँ यह कौन सा कॉन्सेप्ट दिए, कौन कॉन्सेप्ट दिए, लेकिन हाँ हानि सिद्धांत जो है यह पूछा जा सकता है आपसे कि यह क्या है और यह कौन दिया है, वह कहाँ के थे, इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर एक और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए लाया हूँ, एक विद्वान जो है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने के लिए, वह जॉन लॉक है, जॉन लॉक है। और यह लिबरलिज्म के जो है वह फादर माने जाते हैं। किसके फादर माने जाते हैं, लिबरलिज्म। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिबर्टी। लिबर्टी से ही जो है लिबरलिज्म बनता है, मूल जो शब्द है वह लिबर्टी ही है। जब इज्म ISM जब किसी शब्द में लग जाता है ना तो वह एक विचारधारा बन जाती है, क्या बन जाती है, विचारधारा बन जाती है। जब उसको फॉलो किया जाता है तो वह एक विचारधारा के रूप में बातें आती है। और यह क्या सपोर्ट करता है, लिबरलिज्म जो है वह क्या कहता है, यह व्यक्ति को आजादी देता है, यह व्यक्ति को जो है आजादी देता है, फ्री मार्केट की व्यवस्था करता है, वह स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार जो है वह कार्य करें, ठीक है। तो यहां पर आपको सिर्फ यहां पर इंट्रोड्यूस कराना यह इससे था कि इसको आप जान ले कि लिबर्टी से लिबरलिज्म आया है और उसके फादर जो है वह कौन है, जॉन लॉक है, ठीक है। मैं समझता हूं कि यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम लोग पढ़े हैं, मौलिक अधिकार पढ़े हैं, उसमें आप बताइए हमें कि किस आर्टिकल में यह बात कही गई है कि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। और अगर आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप इसको बताने में सक्षम होंगे। अब देखिए आते हैं हम लोग थोड़ा सा बाल्टेयर के बारे में कहते हैं कि जो तुम कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा।
यह हो सकता है ना कि आप जो कह रहे हैं उसका मैं समर्थन नहीं करूं, हो सकता है आप हमारे से विचार अलग रखते हो, हम आपके साथ नहीं है, लेकिन हाँ आपके बोलने की आजादी को हम हमेशा बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं कहेगा कि कोई गवर्नमेंट आएगा कि आज से जो है अभिषेक कुमार आज से कुछ नहीं बोलेगा। मान लेते हैं किसी का स्टूडेंट्स का नाम है, उस पर इस तरह के जो है टीचर आए, आज से अभिषेक कुमार कुछ नहीं बोलेगा, इस तरह से जो है किसी पर बैन जो है लगाने की बात नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर बाल्टियर जो है वह क्या कहते हैं, उनका एक विचार है, उनका कोट है, यह कोट भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह कोट जो है वह किन से संबंधित है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यह कोट जो है वह कौन कहते हैं और यह क्यों कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, इसके विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता जो है वह कितने प्रकार की होती है, जो बेसिक मुख्य मुख्य चीजें जो है वहां पर देखिए आपको पॉइंट वाइज में मैं लिखा हूं, प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता। ये चीजों को जो है वह हम लोग थोड़ा इस पर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कि कहते किसको हैं। अब प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है, अब देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीजें वर्णित की गई है। देखिए यहां पर जो है हाइलाइट्स कर करके आपको दिखाया गया है, रूसो लिखा हुआ है, और रूसो एक विद्वान का नाम है, यह देश का नाम रूसो यह यहां पर गलती से प्रिंट नहीं है, आप ध्यान लीजिए यह एक फिलोसफर है, राजनीतिक जो है विचारक है रूसो, वह लिखते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों से बंधा हुआ है। आप थोड़ा सा इमेजिन इसको करिएगा, क्या यह सही है। आप अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हम खाने में कुछ खाएं हमारी मर्जी है, है ना, एक गाना भी आता है कि मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, क्या ऐसा संभव है। हम तो कहते हैं साहब आप खाना भी जो खाते हैं ना, नहीं खाने की इच्छा भी होती है तब भी खा लेते हैं, कोई आपसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं लो बेटा खा लो, नहीं 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 खाएंगे, अच्छा खा लो ना कोई दिक्कत नहीं है, आप उनकी बात मान करके खा लेते हैं, कुछ कटसी में खा लेते हैं, कुछ जो है बात करते हैं अगर पहनने की, कहीं जाने की, कहीं कुछ कहने की, तो आपको कोई मना कर दे ना ये बात नहीं बोलो, तो आप जो है थोड़ा देर के लिए सोचते हैं अच्छा सर मना कर रहे हैं तो हो सकता है सर हमारे लिए ही अच्छा सोचे होंगे, हमको उतना ज्ञान नहीं होगा, इस चलते आप चुप हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि वह क्या है, वह बंधन है। हो सकता है आप सही है गलत मैं ये नहीं जानता, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो है आप उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को, जो आपके चारों तरफ जो चीजें बनी हुई है वह एक बंधन, जो आपको ऐसा नहीं है कि सिक्कड़ आपको दिखेगा कि चारों तरफ कहां बंधन है सर, वह एक सामाजिक बंधन है, वह दिखेगा नहीं, वह इमेजिन करने की चीज होती है, वह ऑटोमेटिकली आदमी बंध जाता है कि अच्छा फलना बाबू है उनके खिलाफ हम कैसे बातें बोले, वो गलत है हम जान रहे हैं कि गलत है लेकिन हम लिहाज करते हैं, कहते चलो ठीक है बाद में छोड़ दो समझ जाएंगे अपने, इस तरह की चीजें हर आदमी के साथ जो है वह चीजें घटती है और वह चीज को जो है वह देखने में चीजें आती है। तो यहां पर प्राकृतिक अवस्था में क्या कहता है रूसो, कहता है कि हमको जो है स्वतंत्र हम पैदा हुए हैं और वह सारे जगह फिर भी हम क्या है वह बंधनों से बंधे हुए हैं। अब देखिए इसको बंधे हुए हैं तो इसके प्राप्ति के लिए जो है आप संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग पढ़े थे तो वह कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। वहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो आंदोलन हुए उसके बाद नागरिकों को जो राइट्स दिया गया जिसको स्वाधीनता का घोषणा पत्र कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग कि स्वाधीनता का घोषणा पत्र के तहत ही जो है फंडामेंटल राइट्स वहाँ के नागरिकों को प्राप्त हुआ था और वहाँ की व्यवस्था के बाद ही जो है वह अन्य जगह में जैसे इंडिया में जो है वह चीज़ें जो एक्सेप्ट की गई वहाँ से ही यह सारी चीज़ें थी। प्राकृतिक अवस्था में यहाँ पर देखिए एक शब्द है मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय का मतलब समझते हैं, मत्स्य न्याय वह व्यवस्था होती है जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को कैसे निगल जाती है, तालाब में छोटी मछली जो होती है बड़ी मछली के सामने नहीं आना चाहती है, क्यों नहीं आना चाहती है, उसको डर रहता है कि हम जाएंगे तो ऐसा ना हो कि मेरे साथ वह मेरा जो जीवन लीला है उसको समाप्त कर दे। और यह व्यवस्था जो है प्राकृतिक अवस्था जब हुआ करती थी उसमें यह चीजें थी, ठीक है ना, वहां पर लोगों को यह डर रहता था कि
हमारे जान माल की, हमारे परिवार की, हालांकि परिवार तो वहां पर उस तरह की चीजें थी नहीं, खुले आराम से लोग घूमते रहते थे, एक ग्रुप में रहा करते थे ताकि कोई जंगली जानवर ना तंग करे, कोई दूसरा जो है समाज हमको तंग ना करे, इस तरह की चीजें थी। लेकिन जैसे अभी परिवार का जो कॉन्सेप्ट आज के समय में हम लोग देखते हैं, उस तरह की चीजें वहां पर नहीं थी। तो मत्स्य न्याय में क्या होता है कि जो है बड़ी मछली जो है छोटी मछली को जय श्री राम उसका तहस नहस हो जाता है। ठीक है, हम समझ पा रहे हैं कि इतना से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, हम लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप रात में क्या करते हैं, आपका बॉस अगर पूछे तो क्या आप बताने के लिए सक्षम होइएगा, या आपके क्लास टीचर बोले कि बताओ रात में तुम कितना बजे सोता है, हो सकता है ये सब चीजें तो बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन वह आप कौन कौन सा कार्य करते हैं ऑफिस में अगर हम लोग बात करें तो वहां पर लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि वह उनका निजी जीवन होता है। वह कब सोते हैं, रात में क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, इससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। वह क्या खाते हैं, तुम यह क्यों खाते हो, तुम यह क्यों पहनते हो, इस तरह का जो है वह रिस्ट्रिक्शंस कोई पसंद करना चाहेगा। और अभी जो हमारे यहाँ व्यवस्था है वह इस चीज को फ्री किया गया है, आप अपनी स्वतंत्रता के अनुसार वस्त्र धारण कर सकते हैं, अपनी च्वाइस के अनुसार कार्य कर सकते हैं, अपनी च्वाइस के अनुसार जो है वह कहीं भी जीवन सेटल कर सकते हैं। आप भले पैदा बिहार में हो, आप चाहें तो जम्मू कश्मीर में ही जाके बस सकते हैं, भले आप किसी ऐसे वर्ग में पैदा हुए हों जहां पर लोग जो है आपका उस जन्म जात से जो है कार्य होता था, लेकिन उस कार्य को आप करने के कोई बंधन नहीं है, है ना। तो आपको यहां पर क्या बताया गया है कि आपका जो व्यक्तिगत अधिकार है वह कौन कौन सा, जैसे यहां पर देखिए उदाहरण के रूप में भी मैं लिखा हूं कि भोजन, वस्त्र, धर्म, पारिवारिक जीवन, जो ट्रेंड चला आ रहा है उससे आप अलग आप कार्य कर सकते हैं, वह आपका व्यक्तिगत मामला है, उस पर किसी को इंटरफेयर करने का अधिकार जब नहीं होता है तब उसको हम लोग कहते हैं कि उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है। अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता दोनों एक जैसी आपको लगेगी, ठीक है, क्या लगेगी, दोनों एक जैसी लगेगी, लेकिन दोनों एक नहीं है, कुछ अंतर है। क्या अंतर है, देखिए कुछ राइट्स जो होता है वह एक व्यक्ति होने के कारण सबको प्राप्त होता है, जैसे राइट टू लिबर्टी, सॉरी लाइफ टू लिबर्टी, जीने का अधिकार। अगर आपके यहां कोई भी फॉरेनर भी आता है तो क्या उसको जीने का अधिकार आप नहीं देंगे, या आप कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो आपको जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, तो यह सबको देय होता है। लेकिन क्या आप इस चीज से अब सहमत हैं कि कोई अमेरिका का व्यक्ति आए और यहां पर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, या हमारे यहां का वह प्रेसिडेंट बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, उसको वह स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता उसको प्राप्त है, या वह हमारे यहां वोट दे सकता है, नहीं दे सकता है, अंतर है ना। तो जब आपको किसी देश के नागरिक होने के कारण जो अधिकार मिलते हैं वह कहलाते हैं कौन, नागरिक अधिकार, जिसको सिटीजन्स राइट्स बोला जाता है। ठीक है, और यह आपको चीजें जो है आपको भाग दू जो है वह उसमें अनुच्छेद 5 से 11, 12 में जो है यह सारी चीजें नागरिकता से संबंधित चीजें बताई गई है। ठीक है, इसको हालांकि अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है और आपसे संबंधित है भी नहीं, लेकिन चूंकि यहां पर नागरिक स्वतंत्रता की बात निकल आई तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बता दिया। ठीक है, अब देखिए नागरिक स्वतंत्रता की बात जो है वह दो प्रकार के कहता है, कि शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति को व्यक्ति और व्यक्ति के समुदायों के विरुद्ध स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस स्वतंत्रता में हम फिर से चलेंगे मूल अधिकार की तरफ, मूल अधिकार फिर से बात होगी, राज्य के खिलाफ बात होगी, राज्य के अगेंस्ट जो है आपको अधिकार प्राप्त होता है उसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, और जब आपके फंडामेंटल राइट्स की हनन होता है तो आप उसको कोर्ट में वह जस्टिसिएबल होता है, क्या होता है, जस्टिसिएबल होता है, वह उसके खिलाफ आप कोर्ट के शरण में जा सकते हैं, और मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपीज और डीपीएसपी नहीं सॉरी वह हाँ मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है वह दोनों में यही अंतर है।
थोड़ा सा मैं ये शब्द का उच्चारण करने में अभी ये कन्फ्यूजन हो रहा था। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है वह दोनों में यही अंतर है कि डीपीएसपी जो होता है वह जस्टिसिएबल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जस्टिसिएबल नहीं होता है। उसको हनन करने पर आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं कि साहब हमारे जो है राइट्स का हनन हो रहा है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के रूप में आप कोर्ट के शरण में जा सकते हैं। और जब कोर्ट में यह चीज़ें आप लेकर के जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह 5 प्रकार के रिट जारी करने का उसको अधिकार होता है, वह आपको फंडामेंटल राइट्स में चीज़ें बताई गई है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर जो है इस मामले में हाई कोर्ट को मिला हुआ है, यह भी चीज़ें आपको बताई गई है। अब राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या हम लोग देखते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता में हम लोग जो है देखते हैं कि हमको वोट डालने की आज़ादी है, आपको चुनाव में खड़ा होने की आज़ादी है, आप मत दान में जो है अपना इंडिपेंडेंट जो है स्वतंत्रता पूर्वक पार्टिसिपेट करने की आपको शक्ति प्राप्त है, और क्या प्राप्त है कि आप जो है आलोचना करने का अधिकार है। सबसे बड़ी जो चीज है आपको पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत मिली हुई है वह आप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है आपका खुले आप स्वतंत्रता पूर्वक उसकी आलोचना करिए, यह आपका अधिकार है। और यह राइट जो है वह सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। क्या आपको लगता है कि जो साम्यवादी देश हैं वहां पे नागरिकों को इस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है क्या? कदापि नहीं। वहां पर तो व्यवस्था ये है साहब कि वह अपनी मर्जी से जो है वह बस तक नहीं पहन सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में यह आया था, कोर्ट आया था कि महिलाएं जो है घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, और बाहर जाएंगी तो क्या पहन के जाना है, वह उनका ड्रेस निर्धारित है और उनकी चलने की आवाज जो है वह जैसे ठक ठक जूते की आवाज जो है चलते हैं लोग तो आवाज आती है, वह आवाज नहीं आनी चाहिए। सोचिए कि किस प्रकार जो है मानवीय अधिकारों का हनन होता है दूसरे जगह पे। तो इन चीजों को जो है जहां पर आप सरकार जो आपको सारी व्यवस्था दे रही है उसकी भी आलोचना करने का अधिकार यहां पर दिया गया है, ठीक है। अब आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। सब कुछ मिल जाए, पैसा ना मिले, आप कितना खुश होइएगा? नहीं खुश हो पाइएगा, क्योंकि कदम कदम पे जो है ना पैसों की जरूरत पड़ती है। बिना पैसा के जो है एक काम नहीं होता है। पॉलिटिकल राइट मिल गया आपको, वहीं के वहीं थे जहां आप हैं, आपके डेवलपमेंट नहीं हुए, आप गरीब थे आज भी गरीब हैं, तो उस पॉलिटिकल राइट्स का, उस सोशल राइट्स का, उस सारी व्यवस्थाओं का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उस एक गरीब व्यक्ति से जाकर के पूछिए जिसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है वोट डालना, जिसके पेट में अन्न नहीं होता है। और यह देखने में उदाहरण मिलता है कि बहुत सारे, आखिर क्या कारण है कि जो लोग वोट के दरमियान जो है 50% 60% ही पोलिंग हो पाती है, क्यों नहीं 100% पोल होता है? उसका यह एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जो लोग डेली वर्कर होते हैं, जो काम पर ही डेली आश्रित होते हैं, जिनका भोजन जो है वह उस कार्य पर निर्भर करता है, वह सोचता है कि साहब हम जाएंगे वोट डालने के लिए, हमारा 250 का जो है ढाड़ी जो है आज का खत्म हो जाएगा। किसकी सरकार बने ना बने हम तो यही कर रहे हैं और वही करते आ रहे हैं, हमारे स्थिति में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो वह क्यों वोट करेगा? तो यहां पर आर्थिक स्वतंत्रता से कहने का मतलब यह है कि आपको ऊपर आने के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता में ऊपर आने के लिए, आपको डेवलप होने के लिए जो है वह व्यवस्था जो है कौन करेगी? वो गवर्नमेंट करेगी। और सकारात्मक स्वतंत्रता में हम लोग यह चीज देखे थे कि जो है जो नीचे दबे कुचले लोग जो हैं, जो परेशान लोग जो हैं, वह उनको ऊपर उठाने के लिए उनके लिए विशेष जो है प्रोविजंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं, ठीक है। यह चीज़ें जो है यहाँ पर थी। अब चलते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता की, ज़्यादा नहीं, एक दो और स्लाइड है इसके बारे में, उसके बाद जो है हम लोग इस कक्षा को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए, जब आप अपनी स्वतंत्रता के लिए इतने चिंतित हैं कि हमको जो है यह अधिकार नहीं मिला, तो क्या आप बिना राष्ट्र के जो है वह आप अपने आप में कुछ हैं? राष्ट्र जब है तभी तक हमारी सिक्योरिटी है। राष्ट्र नहीं रहेगा तो कोई भी आप पर आक्रमण कर लेगा, वो अपने अधीन कर लेगा आपको। और इस स्टेट की जो है निर्माण जो हुआ इसी चीज के लिए हुआ ना,
और कोई भी राष्ट्र जो होता है अपनी जो है सॉवरेनिटी जो होती है, संप्रभुता जो है वह हमेशा बना के रखना चाहता है। सॉवरेनिटी संप्रभुता आप पढ़े होंगे, लोकतंत्र जब पढ़े होंगे नवम वर्ग में ही, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि सॉवरेनिटी जो है वह क्या चीज़ होती है। सॉवरेनिटी वह चीज़ है जो अपनी इच्छा से, अपने विवेक से, बिना किसी बाहरी दबाव के जब कोई निर्णय लिया जाता है तब वो उसको हम बोलते हैं संप्रभुता। और यह किसी व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यह किसी देश की बात हो रही है, किसी स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने देश का एग्जाम्पल लेंगे कि क्या हमारा देश जो है वह सॉवरेन है, वह संप्रभु है, तो निश्चित रूप से है। और मैं आपको पहले भी बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में जैसे जो स्टेट है यहाँ पर उसको स्टेट वह कंप्लीट स्टेट के रूप में हम लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं ये चीज़ें मैं पूर्व में बताया हूँ, मैं उस पर अभी नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कहता है कि भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक, इन सारी चीज़ों पर जो है व्यवस्था जो है वह जब होती है तो उसको राष्ट्रीय एकता के रूप में हम लोग वह जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। नैतिक स्वतंत्रता क्या इंपॉर्टेंस है, हालांकि यह चीज़ें जो है वह कहीं दिखेगी नहीं, कहीं आपको लिखी हुई भी इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती है कि हाँ आप नैतिक स्वतंत्र हैं या नहीं हैं। आपको अधिकार मिले हैं, राइट्स मिले हैं, लेकिन आप जो राइट अधिकार मिले हैं उसके प्रति आप जो है वह नैतिक रूप से उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। होता क्या है कि लोग किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए तो प्रयास करते हैं, किसी पद को पाने के लिए प्रयास करते हैं, किसी स्थान को पाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो कहते हैं हाँ हम ये काम करेंगे। नैतिक रूप से उसकी जिम्मेदारी जो है वह नहीं लेते हैं, नैतिक रूप से जो है वो इंडिपेंडेंट पूर्वक जो है वह कार्य को अपना पूरा नहीं करते हैं। और पता नहीं ऐसा लगता है कि हाँ हम यह काम क्यों करें, हम आए हैं, हम बहाल हो गए हैं, हम अपनी जगह पकड़ लिए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी खत्म, हम आ गए। आप इस तरह की चीजें आपको देखने में मिलती है। मैं एक छोटे स्तर पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े स्तर पर भी बात आप लेके चलेंगे। पॉलिटिक्स की जो बड़े बड़े पद हैं, इवन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि की भी बात आप उदाहरण लेके देख लीजिएगा तो क्या आता है कि मैं नैतिक रूप से इस चीज का जिम्मा लेता हूं, इस कार्य का जिम्मा लेता हूं और अपने पद से इस्तीफा देता हूं। आए दिन इस तरह के आप जो है समाचार चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपको इस चीजों को जानकारी मिलती है। तो नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है हम लोग यही जानते हैं कि आप अपने कर्तव्य, यह आपका है, यह जो है आपके अंतरात्मा से जो है, अंतर से जो है वह कार्य करने की जो है आपको स्वतंत्रता देता है। वह यह आप जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक वह कार्य नहीं पूरा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ें हैं यहाँ पर कोरिलेट करने की, स्वतंत्रता और कानून की, कहा तो यह जाता है अगर हम निगेटिव लिबर्टी की बात करें तो वह क्या बात कर रहा था कि हमको पर किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, लेकिन लॉ क्या होता है, लॉ तो रिस्ट्रिक्शन लगाता है ना कि आप यह काम नहीं कर सकते हैं, आपने रेप किया है आपको इतना 300, आपने मर्डर किया है 302 के तहत आपको जो है फांसी होगी, ठीक है ना। 376 रेप का है मामला, वह जो है उस पर लागू होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखते हैं कि लॉ जो होता है ना वह इंडिपेंडेंट रूप से जो है कार्य करने के लिए, गलत कार्य करने के लिए जो है वह रोकता है। तो यहां पर क्या बताई गई है चीजें कि स्वतंत्रता जो होती है उस पर वह लॉ जो है वह रोक लगाता है, ठीक है ना। लेकिन वास्तव अर्थ में अगर हम लोग चलेंगे तो वह रोक नहीं लगाता है बल्कि उसको एक शक्ति प्रदान करता है, अस्थायित्व प्रदान करता है, उस पर जो है आगे कार्य करने के लिए जो है एक रास्ता तैयार करने का जो है कार्य करता है। वह कौन कार्य करता है, लॉ काम करता है, कानून काम करता है। और जब हम फिर से बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, तो हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि जैसे ही आपका अधिकार का हनन होता है आप कहां का दरवाजा खटखटाते हैं, आप किसी गवर्नमेंट का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं बल्कि जो है वह सरकार का जो है वह खिलाफ जो है वह कोर्ट में वह मामला लेकर के पहुंचते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो है वह देखिए कुछ कोट्स यहाँ पर फिर से मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कि स्वतंत्रता और कानून का जो है संबंध में लॉ क्या कहते हैं कि जहाँ कानून नहीं होता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है।
जहाँ कानून नहीं होता है, जहाँ डिक्टेटरशिप होता है, जहाँ एक व्यक्ति की बात मानी जाती है, जहाँ एक दल की बात मानी जाएगी, तो वहाँ पर लॉ होगा। वहाँ जो एक व्यक्ति कह दिया उसी की बात मानी जाएगी। तो वहाँ पर तो किसी सिविलियन को आपको लिबर्टी मिल जाए, यह तो संभव नहीं है। उसी प्रकार देखिए यहाँ बिलो भी क्या कहते हैं, ये सारे विद्वान के नाम हैं, राजनीतिक फिलोसफर जो हैं उनमें इनका नाम आता है। और बिलोबी जो वह कहते हैं कि जहां नियंत्रण होते हैं वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। नियंत्रण विहीन जो लोग होते हैं या नियंत्रण विहीन जो व्यवस्था होती है वह कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती है। जहां पर नियंत्रण होता है वहीं पर डेवलपमेंट होती है। और जो हमारे संविधान की जो व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं हमको, आपको जब अधिकार दिया है तो साथ में लिमिटेशंस भी उसके साथ आए हैं। आपको बोलने की आजादी है, अनुच्छेद 19 आपको कहता है कि आप अपनी अभिव्यक्ति दर्ज करिए, तो क्या आप किसी को गाली गलौज कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं ना, तो लिमिटेशन लगा है। तो यह आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता जब आती है तो लॉ उसको जो है एक प्रशस्त मार्ग अपनाता है, उसको जो है वह सुदृढ़ करने का कार्य करता है, उसको जो है एक मार्ग बनाने का कार्य करता है, उस पर जो है चलने का रास्ता तैयार करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में जो है हम लोग यही बात करेंगे कि इसके अंतर्गत जो है वह कानून की बातें ही बताई गई है और यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद भी पढ़ के इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे के जो है वह स्लाइड में देखिए यह लिखा हुआ है कि विभिन्न तरह के जो है संरक्षण बिंदु जो है वह कैसे जो है वह प्राप्त हो सकता है, स्वतंत्रता को कैसे जो है वह सुरक्षित रखा जा सकता है। तो हम लोग आदर्श कानून के द्वारा जो है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। विशेषाधिकारों का अंत जो है करना जरूरी होता है। जैसे आपके यहाँ पहले क्या था, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत कहता है। उसके बाद जो है उपाधियों का अंत जो है वह क्या कहता है, 18 कहता है। तो वह क्यों किया गया, क्यों हटाया गया? पहले जो है महाराजा अधिराज इस तरह से कर करके जो है वह नाम के आगे संबोधित किया जाता था। आज के डेट में इस तरह के टाइटल जो है सारे समाप्त कर दिए गए हैं और सिर्फ जो है वह आपका एजुकेशनल और किसी पुरस्कार से संबंधित टाइटल ही जो है आप अपने नाम के आगे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के बाद मौलिक अधिकार के द्वारा, स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा, और उसके बाद जो है सतत जागरूकता, शक्तियों का पृथककरण तथा अवरोध और संतुलन, आर्थिक न्याय, स्वतंत्र प्रेस, स्थानीय स्वशासन, इन माध्यमों से जो है आप स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और इन बिंदुओं को हमको नहीं लगता है कि सारी चीजों से आपको लोग अवगत होंगे। आर्थिक न्याय, स्वतंत्र प्रेस, प्रेस को जो है वह फोर्थ स्टेट के रूप में जाना जाता है, चौथा स्तंभ के रूप में वह चीजें जानी जाती है। ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन, ये सारी चीजें आप लोग अवगत हैं उससे। देखिए निष्कर्ष के रूप में भी फिर से मैं यहाँ पर तीन जो है वह कोट लाया हूँ, मॉन्टेस्क्यू, लॉस्की और थॉमस जेफरसन का। थॉमस जेफरसन कहते हैं कि कोई भी देश तब तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता जब तक कि समय समय पर वहां की जनता अपनी विरोधी भावना का प्रदर्शन करके अपने शासकों को सजग नहीं करती है। यह बहुत ही अच्छा कोट है कि आप जब तक अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे वर्तमान सरकार के खिलाफ तब तक आपकी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो। जो दे रहा है उसको मान लिए तो उसको लगा कि अच्छा ठीक है, फिर वह ऐसा नियम बनाएगा जो आपको तकलीफ होगी, है ना। तो विरोध जो है वह जरूरी होता है और यह विरोध करने के लिए जो है आपको सहायता कौन करता है, जो विपक्ष की पार्टियां होती है वह उसको जो है वह बल प्रदान करती है। ठीक है, तो यही थी आज की क्लास। और इसको कंक्लूड करने के लिए मैं आज जो आपको पढ़ाया हूं वह एक फ्लो चार्ट से मैं 2 मिनट में आपका जो है वह चाहूंगा कि उसको आप एक बार समझ ले ताकि आपको जो है कई चीजें जो है अभी तक मिस जो किए होंगे वह आप जान पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता जो लिखा हुआ है वह मैं बताया था वह लीवर सबसे आया है और यह कौन सबसे आया है, लैटिन भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है क्या, बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव।
ठीक है, पहली चीज, एक चीज यहां हम लोग जाने थे। उसके बाद हम लोग दो जो है बेहद ही फेमस पर्सनालिटी की बात किए थे। पहला थे नेल्सन मंडेला, जिनकी बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद दूसरी पर्सनालिटी जो बात किए थे हम लोग, आंग सान सू की, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, ये दो चीज बात किए थे। उसके बाद जो है हम लोग इससे बात किए थे कि यह दो और चीजें बात किए थे, आपका जेएस मिल के बारे में बात किए थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे बेंथम की बात किए थे, उसके बाद बात किए थे क्या, रॉल्स की बात किए थे, जॉन रॉल्स की बात किए थे, है ना। तो यहां पर जो है जेएस मिल का एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, वह कौन सा कॉन्सेप्ट था, वह था हार्म प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े आज, वह पढ़े उदारवाद को देखे थे थोड़ा सा, और उसमें हम लोग जॉन लॉक की तस्वीर जो है वह लगाकर मैं आपको दिखाने का प्रयास किया था कि जॉन लॉक कौन है, वह कैसे देखते हैं, उस पर बात आई थी। उसके बाद विभिन्न प्रकार की बात किए थे, विभिन्न प्रकार की बात किए थे कि वह कितने प्रकार का है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे आपका प्राकृतिक स्वतंत्रता, उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसके बाद नागरिक स्वतंत्रता, उसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता, उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता, उसके बाद नैतिक स्वतंत्रता। हो सकता है इसमें एक आध मिस भी किया होगा, ठीक है ना, ऐसा मैं देख करके वहां से बढ़ा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन इन सारी चीजों पर जो है हम लोग बात किए थे। ठीक है, तो चलते हैं, देख लेते हैं कि आज इस चैप्टर में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है। फिर से थोड़ा सा हम स्लाइड की ओर चलेंगे और दो मिनट में और आपका लूंगा इस क्लास को फिनिश करने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि गृह कार्य के रूप में वह कौन सी चीजें जो है वह शामिल की गई है। देखिए, मैं आपको बोला था, मैं आपको उस समय आगाह किया था कि यह आपसे पूछा जा सकता है, और वही चीजें यहां पर शामिल भी की गई है। स्वतंत्रता किस भाषा से निकला है, किस भाषा से आया है, तो यह आप बता सकते हैं लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम बताए थे अभी तक आपको लैटिन भाषा से, अभी बोर्ड पर भी मैं लेके गया था, वहां पर आपको बताया था लैटिन भाषा से। ऑन लिबर्टी किन की पुस्तक है, एक बड़ी सी तस्वीर लगाए थे उसकी, आपको बेंथम और जॉन रॉल्स को भी आपको दिखाए थे वहां पर, तो यह कौन है, जेएस मिल है। उसी प्रकार दूसरा जो आपका तीसरा जो प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में स्वतंत्रता के विविध रूपों के नाम बताएं, तो अभी मैं आपको बोर्ड पर भी एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता आदि की जिक्र किया था। अब सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, मैं बताया था ना कि सकारात्मक स्वतंत्रता आपको लगेगा कि जो है थोड़ा सा इससे अंतर होगा, वह जो है लगेगा आपको अटपटा टाइप का, क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस है। सकारात्मक में वहां पर लगेगा आपको पहली बार, लेकिन यह चीजें जब आप समझ जाएंगे कि हाँ यह तो ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस तो होना चाहिए, तब आप बोलेगा कि नहीं यह चीजें सकारात्मक ही हैं। रिस्ट्रिक्शंस का होना जो है वह ठीक होता है, लेकिन वह कहां तक होना चाहिए, जब वह दूसरे को हानि नहीं कर रहा हो तब तक। ठीक है, तो यहां पर फिर आपका एक जो है सवाल शामिल किया गया है दीर्घ उत्तरीय के रूप में कि स्वतंत्रता की धारणा की पूर्ण अस्पष्टता के साथ जो है वह व्याख्या करें। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इतना आप करने के बाद जो है वह आप समझ पा रहे होंगे कि स्वतंत्रता किसको कहते हैं, स्वतंत्रता कैसे आई है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता संबंधी किन किन विद्वानों ने जो है इनके संबंध में परिभाषाएं दी है, वह कैसे शुरू हुआ, नेल्सन मंडेला का क्या इसमें योगदान रहा, आंग सान सू की क्यों हम लोग पढ़े, इन सारी चीजों को आप समझ पा गए होंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप लोग हम लोग से निश्चित रूप से गया गाइडेंस का जो चैनल है यूट्यूब का, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर करके और उस पर जो है कमेंट सेक्शन होता है उसमें अपनी आप
फीडबैक दे सकते हैं। उन फीडबैक पे हम लोग जो हमारी टीम है वह नित्य जो है हमेशा कार्य करते रहती है। जो भी लोग फ्री होते हैं उसको रिप्लाई करने का भरसक प्रयास करते हैं जैसे ही वह फ्री होते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर से अगला चैप्टर लेकर के पॉलिटिकल थ्योरी का। तब तक के लिए बाय।